बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में बिजली विभाग की लापरवाही ने मां बेटी की जान ले ली। दोनों फुटपाथ पर खुले बिजली के तार की चपेट में आ गए। अब 4 अधिकारियों समेत कुल 6 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरकार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। व्हाइट फील्ड में जहां मां बेटी की मौत हुई, वहां के लोग सकते में हैं। बेंगलुरु में पिछले तकरीबन 1.5 सालों में खुले तारों की चपेट में आने से 3 अलग अलग घटनाओं में 4 जाने जा चुकी हैं। दरअसल समय समय पर बिजली के खंभों और तारों की देखभाल नहीं की जाती है, तार टूट कर लटकते हैं और जानलेवा हादसों की वजह बन जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त बृंदा अडिगे जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। बृंदा जी, बहुत स्वागत है आपका। जो यहाँ पर एक हादसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ हो, कई बार हुआ है। इनफैक्ट जो NCRB का डेटा मैं देख रही थी, उसमें तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि करीब 12,000 से ज़्यादा हर साल मौत होती है, और करीब एक दशक में 1 लाख के करीब मौतें हुई हैं। इनमें इलेक्ट्रोक्यूशन से मौतों की बात NCRB का डेटा कहता है, 34 लोग जो है वो मर जा रहे हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही एक भयानक समस्या है। आप सच कहते हैं, ये बहुत ही भयानक है, लेकिन इसको हम हादसा नहीं कह सकते, ये तो हत्या है। क्योंकि सरकारी नौकर जो हैं उनका काम नहीं करते हैं, और आज डिजिटल इंडिया में मॉनिटरिंग कुछ खराब हो गया कहीं पे, कुछ वायर टूट गया, कट गया, और कहीं कहीं जगह पर ट्रांसफार्मर बस्ट हो गया, इसको रिपेयर करने में कितनी देर लग सकती है? 3 घंटा 4 घंटा, उसके ज्यादा तो नहीं लगता। लेकिन इनकी मॉनिटरिंग ही नहीं होती है, इनकी इंस्पेक्शंस भी नहीं होती है। और जब ये डिजिटल कर दी, इन्होंने सब कुछ डिजिटल कर दिया है, डिजिटल करने के बाद भी ये नहीं देखते हैं कि क्या कहाँ खराब हुआ है और क्या रिपेयर करना चाहिए। क्या और आपको मुझे लगता है कि ये मैन पावर की कमी है या फिर एक विलफुल नेग्लिजेंस, जिसको कहते हैं जानबूझकर लापरवाही, ये है? मैन पावर की तो कमी नहीं है, विलफुल नेग्लिजेंस ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्योंकि इनको कभी भी सजा नहीं मिलती। कोई भी इनको इनकी ये बेजिम्मेदारी के बारे में बात नहीं करते। यहाँ पे वहां पे कुछ छोटे लोगों का सस्पेंशन होता है, बट उससे ज्यादा और कुछ नहीं। सस्पेंशन के बाद क्या हुआ, किसकी नौकरी चली गई, किसकी प्रमोशन निकाल दिया, कौन से सीनियर ऑफिसर ने उनको काम करने का जवाबदारी दिया या नहीं दिया, ये सब तो कोई नहीं पूछता, और हमें भी कोई ऐसा जो धाराएं हैं, जो जैसे सिर्फ नेग्लिजेंस की धाराएं लगती हैं या इस तरह की धाराएं लगती हैं जिसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, आप कह रही हैं कि इसको मर्डर मानना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या इसके करेक्शन के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि इस तरह से बिजली का करंट लगने से 1 लाख लोगों की जान चली जाए, ये तो बहुत भयावह स्थिति है। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि बहुत से इलेक्ट्रिक पोल से बहुत वायर्स जाते हैं जो कोई देख नहीं रहा है, और ये वायर बेस्कॉम के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो रोज देखते हैं, और उनको कोई पूछता नहीं है और उनकी कोई पनिशमेंट नहीं होती है। तो ये लापरवाही, ओके, नेग्लिजेंस का कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं, कोई उनकी पिनलाइजेशन नहीं होती है। और हमारे पास आपका सजेशन क्या है, क्या करना चाहिए ताकि ये जो 12,500 डेथ जो NCRB बता रहा है उसमें कमी आए? हाँ, कानून नहीं है ना, तो आज हमको एक कानून चाहिए, जिस कानून से हम इन पर मर्डर हत्या की केस भी हम लगा सकते हैं। आज ये सिर्फ लापरवाही के बारे में कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि हमने आउटसोर्स कर दिया, टेंडर दे दिया, तो हम किसको पकड़ेंगे? अरे, जो टेंडर होता है वो काम करने के लिए, कुछ नया लगाने के लिए, उसके बाद उसकी देखभाल या मेंटेनेंस तो बेस्कॉम ही करता है, और दे आर ऑल एम्प्लॉयड बाय बेस्कॉम, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सरकारी नौकर हैं, तो इनका तो कुछ लोग नहीं है तो नहीं बता सकते। मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इतना करप्शन है वहां पे, उनको पता है कि अच्छा, मुझे 3 महीने का सस्पेंशन होगा, 3-4 हजार काट देंगे, उसके बाद मैं वापस काम में चला जाऊंगा या चला जाऊंगी। तो अब
उनके ऊपर आईपीसी लगना चाहिए एंड दे शुड बी ट्राइड, हत्या, मर्डर, क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड उनकी उनको उनका काम चला जाना चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए, और उनके ऊपर और नीचे ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कई RWA हैं वो रिपोर्ट करते हैं, आते जाते लोग भी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि रिपोर्ट करने के बावजूद वो सब कुछ वैसे ही पड़ा रहता है, तार भी वहीं पे नजर आते रहता है। आज ये डिजिटल इंडिया में सब ऑटोमेटेड हो गया है, तो अगर कोई रिपोर्ट करते हैं वो रिपोर्ट भी आप एक प्रेस करो हिंदी के लिए, दो प्रेस करो कन्नड़ा के लिए, और फिर आप रिपोर्ट कर दो और हम वी विल गेट बैक टू यू आफ्टर 72 आवर्स, 3 दिन के बाद। तो वो जो भी रिपोर्ट करता है, कोई नागरिक अगर रिपोर्ट करेगा तो भी वो इमीडिएट उसकी हैंडल नहीं करते, वो कंप्लेंट या रिपोर्ट को इमीडिएट हैंडल नहीं करते। बहुत प्रैक्टिकल बात आपने बोली है, ये एक समस्या है निश्चित तौर पर, एक बड़ा हर्डल है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स उठाने के लिए, और ये सच में बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अगर पिछले दशक में 34 लोग हर दिन मरे हैं बिजली का करंट लगने से, और ख़ासकर ऐसे तार जो हाई टेंशन वायर जो पड़े होते हैं गिर जाते हैं, लटकते रहते हैं, तो उन पर ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि इसको सुधारें।